नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीवनी टेक को और दबाइए इस बेल आइकॉन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी पर फाइनली गवर्नमेंट द्वारा जो है वो दोस्तों डिस्कशन करना शुरू हो गया है। तो जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के अंतर्गत जो पेंशन धारक पेंशन ले रहे तो उनकी जो मिनिमम मंथली पेंशन है तो उसके ऊपर जो है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो फाइनली डिस्कशन करना शुरू कर दिया। तो जी हाँ दोस्तों, एक बांग्ला पेपर के आर्टिकल में इसके बारे में जो जानकारी आई है तो उसी के बारे में जो है दोस्तों अभी मैं आपको इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो डिटेल न्यूज है वो बांग्ला न्यूज पेपर में आई है और बांग्ला लैंग्वेज में आई है। तो इसका जो ट्रांसलेशन है दोस्तों मैं वेबसाइट के माध्यम से जो है वो ऑनलाइन ही कर रहा हूँ इंग्लिश में, और उसके बेसिस पर जो है दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप जो है दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो फाइनली डिस्कशन शुरू किया गया है तो उसकी जानकारी आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मिल सके। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो फाइनली डिस्कशन शुरू किया गया है तो उसी के बारे में जो है दोस्तों अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि द सेंट्रल गवर्नमेंट इज फाइनली स्टार्टिंग टू डिस्कस द मिनिमम मंथली पेंशन इंक्रीज फॉर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। टुडे द यूनियन लेबर मिनिस्टर हैज इन्फॉर्म्ड दैट अ मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रिप्रेजेंटेटिव विल बी कन्वेड एट द एंड ऑफ द करंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। इट इज रिपोर्टेड दैट द मीटिंग विल डिस्कस द ईपीएफ मिनिमम मंथली पेंशन इंक्रीज। तो जी हां दोस्तों, ये जो पार्लियामेंट का सेशन खत्म होने वाला है 7 अगस्त को, तो उसके समाप्ति तक जो है दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मंथली मिनिमम पेंशन है तो उसे इंक्रीज करने के यहां पर चांसेस लग रहे हैं। तो जी हां दोस्तों, द सेंटर हैज बीन डीलिंग विद द इश्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम इवन दो अ हाई लेवल कमिटी कंप्राइजिंग द यूनियन लेबर मिनिस्ट्री हैज रिकमेंडेड द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द मिनिमम मंथली पेंशन। तो जी हाँ दोस्तों, हाई एम्प्लॉयमेंट मॉनिटरिंग कमिटी ने भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मंथली मिनिमम पेंशन है तो उसे बढ़ाने के जो है वो यहाँ पर रिकमेंडेशन दिए थे। द सेशन ऑफ पार्लियामेंट विल एंड ऑन 7th ऑफ अगस्त 2019। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो सेशन है पार्लियामेंट का तो वो 7 अगस्त 2019 को खत्म होने वाला है। देन ऑन दिस इशू एन एम्प्लॉय फंटास्टिक ऑर्गेनाइजेशन अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इज गोइंग टू डिस्कस अर्जेंट मैटर। Currently a pension under EPF scheme received by a EPS 95 pensioners is 1000 rupees per month. Labour Standing Parliamentary Standing Committee has mentioned in various report earlier that this is not enough for daily living. तो जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 1000 रुपए की जो पेंशन है तो दो व्यक्तियों के लिए जीवन व्यापन करना इसके में काफी मुश्किल है। The central government has been discussing for a long time about raising the minimum monthly pension from 1000 TEK to at least 2000 or 3000 TEK. According to official sources, if minimum monthly pension amount is increased by EPF, it may increase to between 2 to 3000 per month. At present, companies that have at least 20 employees are covered by EPFO. देन आगे यहाँ पर बताया गया है, अकॉर्डिंग टू सोर्स इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर अ हाई लेवल एक्सप्रेस कमेटी हेडेड बाय एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ यूनियन लेबर मिनिस्ट्री हैज सबमिटेड अ रिपोर्ट ऑन 27th ऑफ दिसंबर टू द ईपीएफ मिनिमम मंथली पेंशन इंक्रीज इशू एंड वेयर दैट कमेटी हैज स्पेशली रिकमेंडेड द मिनिमम मंथली पेंशन ऑफ ईपीएफ शुड बी इंक्रीज। तो जी हाँ दोस्तों, हाई एम्प्लॉयमेंट मॉनिटरिंग कमेटी ने जो दिसंबर 2018 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया था तो उस रिपोर्ट में भी उन्होंने ईपीएस 95 जो मिनिमम मंथली पेंशन है तो उसे बढ़ाने के यहाँ पर जो है दोस्तों रिकमेंडेशन दिए थे। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो बांग्ला न्यूज़पेपर में इसके बारे में जो अपडेट निकल कर आ रहा था जिसके तहत बताया गया है कि फाइनली गवर्नमेंट ने जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है तो उसके ऊपर जो है डिस्कशन करना शुरू किया है।
और ये जो पार्लियामेंट का सेशन है तो उसके समाप्त होने पर जो है दोस्तों यहाँ पर ईपीएफओ की जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक है तो उसे भी जो है दोस्तों बुलाया जाएगा और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है तो उसके ऊपर जो है दोस्तों डिस्कशन किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये जो बड़ी खबर निकल कर आ रही थी तो उसी के बारे में जो है दोस्तों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जानकारी ली। ये जो डिटेल आर्टिकल आप आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देने वाला हूँ। अगर मेरा कोई सब्सक्राइबर इस बांग्ला न्यूज को हिंदी या फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां पर बताएगा तो बाकी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को इसकी जानकारी अच्छे से मिल पाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है दोस्तों ये जो डिटेल इंग्लिश में मैंने अभी आपको न्यूज बताई तो ये मैंने वेब माध्यम से आपको कन्वर्ट करके बताई थी। इसमें बहुत सारे जो सेंटेंस होते हैं तो वो करेक्ट नहीं होते हैं, जिसके चलते हमें जो है वो इंग्लिश भी समझने में आसानी नहीं होती। तो यहाँ पर जो है दोस्तों मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर किसी सब्सक्राइबर को या फिर ये वीडियो देखने वाले को ये जो बांग्ला आर्टिकल है वो हिंदी या फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करके देगा तो उसका मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में जो बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा था तो उसके बारे में आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दूसरों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ये जो अपडेट निकल कर आ रहा है तो इसकी जानकारी बाकी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को भी मिल सके। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।